हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुर्बान ट्रिक में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सी वीडियो एडिटिंग लेकर आया हूँ, जिसको देखकर आप बिल्कुल आसान तरीके से बना पाओगे अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, वीडियो को पूरा देखेगा। और चैनल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अपना काइन मास्टर ओपन करना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ एक प्लस वाले आइकन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके यहाँ पर 16 पॉइंटों का साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जाना है मीडिया में, मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ से एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। इस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं इसी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, इस यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ टाइप करना है अपना नाम, या आप किसी का भी नाम लिख सकते हो जो आपको लिखना हो। नाम लिखने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ डबल ए पर क्लिक करना है। डबल ए पर क्लिक करने के बाद आपको डिस्प्ले पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको एक फ़ॉन्ट ले लेना है, जो अगर आपके काइन मास्टर में ये फ़ॉन्ट नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर गेट मोर पर क्लिक करना है और यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप कोई सा फंड डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मैंने पहले से कर रखा है, तो मैं यहाँ से एक फ़ंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं इसको यहाँ पर इस नेम को अच्छे से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं रख देता हूँ येलो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं अच्छे से इसको रख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों, हम फिर से लेयर में जाएंगे, फिर से टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम दूसरा वर्ड टाइप करेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों, आपको डबल ए पर क्लिक करना है। डबल ए पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ फिर से डिस्प्ले में जाना है। यहाँ से वही फंड दोबारा हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, मैं इसका भी यहाँ से कलर चेंज कर दूँगा, तो मैं यहाँ इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ इसको रख देता हूँ, अच्छे से सेट कर देता हूँ। यहाँ सेट करने के बाद दोस्तों, हम फिर से लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद दोस्तों, हम टेक्स्ट में जाएंगे दोबारा, वहाँ से हमें एक और नाम लिखना है। तो मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं दूसरा नाम टाइप कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों, हम इसका भी यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे, एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों, यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे। इसका कलर हम रेड कर देंगे दोस्तों। तो रेड करने के बाद दोस्तों, हमें इसको यहाँ रखना है, अपने दो जो यहाँ नाम लिखे हैं इनके साथ इसको एडजस्ट कर लेना है दोस्तों, अच्छे से एडजस्ट कर लेना है दोस्तों इनको। इसको एडजस्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको ये टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ दिख रहा है ये लाइन, इसको खींच कर लंबा कर देना है वीडियो के बराबर। तो मैं इसको यहाँ से खींच कर वीडियो के बराबर कर देता हूँ इस तरह से दोस्तों। तो मैं जल्दी से दोस्तों, इनको तीनों को खींच कर इस वीडियो के बराबर कर देता हूँ। वीडियो के बराबर करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो सबसे पहले ऊपर नाम लिखा हुआ है उसको आपको फर्स्ट में करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको, जो ये हमारा दूसरा सेकंड वाला नाम है, इसको थोड़ा सा फर्स्ट वाले से थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। और जो तीसरा वाला है, उस तीसरे को इन दोनों से थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों, हम इनको थोड़ा सा आगे पीछे कर ले। देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से कर लेना है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। तो उसके बाद दोस्तों, आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है, उसको आपको पॉप कर देना है। फिर सेकंड वाला सेलेक्ट करना है, उसको भी आपको पॉप इन एनिमेशन में जाकर पॉप कर देना है। ऐसे ही आपको थर्ड वाला को सेलेक्ट करना है, फिर इन एनिमेशन में जाना है और वहाँ से इसको भी आपको पॉप कर देना है। इस तरह से आपको इन तीनों को पॉप कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप जैसे इनको कर देते हो, उसके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों, अब हम आपको अपना वीडियो प्ले करके दिखाते हैं, हमारे वीडियो कैसे बना है। तो दोस्तों, हमारा जो नाम हमने एडजस्ट किया है, तो इस तरह से आएंगे। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल सिंपल है, कोई भी एडिट कर सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उसके बाद दोस्तों, आपको वीडियो को सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर एक शेयर का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, तो आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।